एमएलसी चुनाव को लेकर कटिहार में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। कटिहार से सुनील यादव को बनाया अपना उम्मीदवार। एमएलसी चुनाव में राजद और कांग्रेस अलग अलग खेमे में बंटने के बाद राजद के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सुनील यादव को कटिहार से अपना प्रत्याशी बनाया है। इधर सुनील यादव को प्रत्याशी बनाए जाने पर जिला कांग्रेस में खुशी की लहर है। इस बीच एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस नेताओं ने सुनील यादव को बधाई दिया है। इस प्रेस मीट में मैं सभी प्रेस के साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के साथ बैठने का यह मकसद था कि कांग्रेस पार्टी ने श्री सुनील यादव जी को यहां विधान परिषद के चुनाव के लिए अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। ये मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी का, सीएलपी लीडर अजीत शर्मा जी का, अपने नेता राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर साहब का, शकील साहब का, मनोहर बाबू का, तौकीर साहब का, ये तमाम लीडरों ने जो सहयोग किया सुनील यादव जी को एक साधारण कार्यकर्ता को यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए कटिहार जिला और खास करके किसान कांग्रेस काफी उत्साहित है। ऐसा जिला है जो शांति और समृद्धि के लिए पूरे प्रदेश और देश में जाना जाता है और इस विरासत को हमें आगे बढ़ाना है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबों को जोड़ के चलने वाली पार्टी है। यहाँ सबका मान सम्मान होता है और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतागण, प्रदेश के नेतागण ने हमारे सुनील भाई को उम्मीदवार बनाया है। कटिहार के तमाम कार्यकर्ताओं में काफ़ी उल्लास है और खुशी का माहौल है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को जिले के कोने कोने में जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं कि आपके लिए एक सुनहरा मौका है, अपने पार्टी प्रत्याशी को आप कामयाब बनाएं। हमारा शहर एक शांति प्रिय शहर है। समृद्धि के साथ अगर शांति नहीं है तो फिर समृद्धि मुमकिन नहीं है। एक ऐसे आदमी को आप यहाँ का नेता बनाएं जो कटिहार की जो आज समस्या है, चाहे आप शहर को देख लें कि हमारा शहर किस तरह से गंदगी में डूबता जा रहा है, हमारे बच्चे को जो नशे का लत लगते जा रहा है, और इन तमाम समस्याओं को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं को देखते हुए हमारे सुनील भाई को आप जिताएं और कटिहार को हम लोग फिर से वो उस जो हमारा पुराना कटिहार था, जो नामी कटिहार था और विकासशील कटिहार था, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं इसी बातों के साथ अपनी बात खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जीत निश्चित है और हम बहुत मजबूत हैं। हमारा जो टक्कर है अगर होगा तो थोड़ा सा बीजेपी के साथ होगा, बाकी और आगे पीछे कोई नहीं है। सुनील जी की जीत हमारी सुनिश्चित है। वही कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि लगातार वह पहले से ही जमीनी राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस की तरफ से ये जिम्मेदारी मिलने के बाद और सक्रियता के साथ कांग्रेस को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कीमती समय निकाल कर के आज हमारे बीच बैठे हुए हैं, और मैं सबसे पहले अपना कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री तारिक साहब हैं, मतलब सोनिया जी, मदन मोहन झा जी, तारिक साहब, हमारे शकील साहब, हमारे मनोहर बाबू, हमारे तौकीर जी, पूनम पासवान जी और कटिहार जिला के जो अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आज हमें इस काबिल समझा कि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया। हम सबसे पहले सभी को धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहते हैं।
आपने जो कहा कि आपको उम्मीदवार बनाया गया है, उम्मीदवारी के रूप में तारिक साहब के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, चाहे मदन मोहन झा जी हो, चाहे अजीत शर्मा जी हो, चाहे हमारे जो प्रभारी भक्तचरण दास जी हैं, तमाम लोगों ने आज से कई महीने पहले हमें कहा गया था कि आप अपना क्षेत्र का दौरा करें, आपको MLC के रूप में लड़ाया जाएगा। उसी कड़ी में तकरीबन हम 3 महीना से प्रत्येक क्षेत्र का, जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत के जीते हुए हैं, हर पंचायत का हम दौरा कर रहे हैं। और दौरा में जो हम अभी तक जो हमने पाया, जिस तरह से लोगों ने समर्थन मेरे प्रति खुल करके सामने आने का काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि कटिहार जिला यहाँ पर क्लीन स्वीप होने वाला है। एक बड़ा चर्चा इन दिनों राजद उम्मीदवार को लेकर भी है, कि मैं भी आपस नहीं पूछूंगा, क्या उसका लाभ मिलेगा आप लोग को इस तरह का? देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राजद एक परिवारवाद की पार्टी है, लेकिन कई पार्टी मिलकर करके, कांग्रेस, राजद, CPI, CPM, माले, तमाम दल मिलकर एक महागठबंधन का निर्माण इस बिहार में हुआ था। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी को दरकिनार कर हमेशा ये नीचा दिखाने का काम राजद के द्वारा होता है। हम लोगों ने कटिहार कांग्रेस परिवार इसको चैलेंज के रूप में लिया है और उम्मीद है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगा और कांग्रेस मजबूत होगा।